हरियाणा में धान की खरीद के लिए सरकार के सारे दावे जो हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। यही हाल किसानों के साथ करा था जब गेहूं की खरीद हुई थी, और आज जो किसान जो हैं अपनी मंडी ट्रॉलियां लेके जो हैं वहां पे पहुंचे हैं, चारों मंडियों के अंदर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, इधर कैथल और करनाल के अंदर, यहाँ चारों मंडियों के अंदर भार रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वहां पे खरीद पूरी तरह से हो ही नहीं रही है। कहा था कि एक एक दाने को खरीदा जाएगा, उस पे भी 33% जो है, वो जो 33 क्विंटल जो है उसके ऊपर इन्होंने कैप लगा दी है। मुख्यमंत्री जी का मैं अभी एक वो पढ़ रही थी बयान, उन्होंने कहा था कि हम जो है पूरा जो है उपज जो है उसको खरीदेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो किसान भाइयों ने मुझे बताया कि उनके जो है फोन के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, मैसेज के ऊपर ये लिखा गया है कि 8 क्विंटल, किसी को 5 क्विंटल, किसी को 3 क्विंटल, कि इतना जो है आप मंडियों के अंदर लेकर आ जाओ। तो अब इस तरह से अगर जो है खरीद होगी, और एक किसान जो है 250-300 क्विंटल अगर वो अभी अपनी नहीं बेच पाएगा, तो किस तरह से काम चलेगा, और उसका भाड़ा ही इसका इतना लग जाएगा। तो पूरी तरह से मैं समझती हूँ ये सिस्टम जो है, ये सरकार का, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है, और ये गठबंधन सरकार जो है किसानों के लिए एक मुसीबत जो है बनकर सामने खड़ी हो गई। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से कार्रवाई करी जाए। साथ ही साथ ये जो 3 अध्यादेश अभी जो कानून जो बनाए हैं, काले कानून बनाए हैं, साफ नजर आ रहा है कि अभी से ये हालात हैं, आने वाले समय के अंदर कितने गंभीर परिणाम जो हैं हमारे किसान भाइयों को भुगतने पड़ेंगे।